नागौर की परशुराम सर्कल पर असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया। असामाजिक तत्वों ने परशुराम सर्कल पर लगा फंवारा तोड़ा। सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग मौके पर पहुंचे। इसके साथ ही इस पूरी घटना की सूचना पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारियों को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। इसके साथ ही पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं इस पूरी घटना को लेकर के ब्राह्मण समाज के लोगों में रोष है। देर रात्रि को लगभग 1 बजे के आसपास जो सर्कल है पुराने हॉस्पिटल के पास में, वहाँ पे जो फाउंटेन है उसको किसी असामाजिक तत्व द्वारा गिराने की सूचना मिली थी, जिस पे पुलिस पहुँची। हमारे सभी अधिकारी SHO वगैरह उन्होंने चिन्हित करके CCTV के आधार पे जो भी जिसने फाउंटेन गिराया उनको हमने पूछताछ के लिए लाया और अग्रिम कानूनी कार्रवाई जारी है। घटना को लेकर के ब्राह्मण समाज के लोगों ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। वहीं पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पंजाब केसरी के लिए रौनक पारेख और हरिनाम सिंह की रिपोर्ट।